और खबर खनिया धाना के शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से है, जहां के सामुदायिक केंद्र के हालात भगवान भरोसे चल रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की देखरेख की स्थिति बेहद बुरी है। मरीजों की कोई देखरेख करने वाला नहीं है, पर वहां से उस मरीज को शिवपुरी जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जिसके बाद मरीज के परिजनों ने एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। इसके बाद परिजन उस मरीज को अस्पताल से स्ट्रेचर से घर ले जा रहे थे। इसकी खबर अस्पताल के किसी भी कर्मचारी को नहीं लगी। वीडियो सोशल मीडिया पर यहां का वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि मरीज अचरौनी का रहने वाला है, जिसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, लेकिन स्थिति बिगड़ने पर उसे शिवपुरी रेफर कर दिया गया। सुविधा के अभाव में परिजन मरीज को स्ट्रेचर पर लेकर भटकते हुए नजर आए। फिलहाल मरीज का स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। छुट्टी हो गई थी, जा रहा है घर को ले जा रहे थे, शिवपुरी को पैसा ले, शिवपुरी ले जा रहे थे, नहीं तो स्टेचर पर ढड़का क्यों ले जा रहे थे? जाके लाए ले आए थे, हमें कुछ साधन नहीं। एम्बुलेंस नहीं मिली आपको? हाँ। तो आपने एम्बुलेंस का नहीं बोला इन लोगों से? छोड़ भी नहीं आई एम्बुलेंस नहीं थी डॉक्टरों ने। फोन लगाया था तुमने नंबर पे, एम्बुलेंस जो नंबर होता है उस पे फोन लगाया था आपने? उठे से छोड़ गई, मतलब घर जाने के लिए जा ले गए थे क्या? एक बार रोल ले गए थे सीपरी से, पैसा लगे थे, पैसा मांगे थे, अब हम पैसा दे ला कुछ ला नहीं आते, सो हमने कहे घर ले जाए, घर व्यवस्था बना ले जब ले जाए, नहीं नहीं ले जाए। खनिया थाना अस्पताल में जब लाए थे इनको, तो यहाँ से डॉक्टर ने रेफर कर दिया था शिवपुरी के लिए। करो हाँ करो तो रेफर कर दिया। क्या हुआ? हमने पैसा नहीं है, नहीं एम्बुलेंस नहीं मिली आप? अबे नहीं मिली, और हमने बोली थी कि हमें घर छोड़े आओ, हम पैसा की व्यवस्था बना ले जब जे है। डॉक्टरों से आपने कहा था एम्बुलेंस? हाँ कही थी। क्या 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 बोले थे? जब बोल रहे थे कि तुम्हें वह नहीं मिल रहा है, सीपरी में जाओ तो मिले, नहीं नहीं मिले। मरीज राजा राम पुत्र लालचंद साहू निवासी अचरौनी को स्वास्थ्य खराब होने पर अस्पताल लाया गया था, जिस पर उन्हें तत्काल संपूर्ण इलाज मुहैया करा के आगामी उपचार हेतु जिला चिकित्सालय शिवपुरी के लिए रेफर किया गया था। और स्टाफ इतने में चूँकि आज यह महिला नसबंदी शिविर भी है, तो जो स्टाफ वहाँ ड्यूटी पे था वो अन्य मरीजों का परीक्षण करने लगा। इतने में जो उनके साथ में उनके भाई थे वो उनको स्ट्रेचर पर रख के कैंपस के बाहर ले गए। जैसे ही स्टाफ को तत्काल देखा तो तत्काल स्टाफ के माध्यम से मरीज को अस्पताल वापस बुलाया और उन्हें संपूर्ण इलाज मुहैया कराने के पश्चात भर्ती किया गया और मरीज को अब जिला अस्पताल के लिए रेफर किया।